दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों की भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पॉलिसी ज़रूर होती है, किसी भी टाइप की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर ठीक है सड़क दुर्घटना बीमा हो, किसी भी टाइप की कोई भी पॉलिसी हम ज़रूर करवा लेते हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं कि उस पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं, तो हम उस पॉलिसी को कैसे बंद करवाते हैं बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। आज मेरे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हो, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक भी है और कुछ मैंने यहाँ पे कागज़ वगैरह तैयार किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के कस्टमर केयर में बात करके पता किया, तब जाके मैंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। बाकी देखो मैं ऑनलाइन बंदा हूँ, अगर ऑनलाइन ही बंद हो जाती तो मैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन कर ही लेता, लेकिन नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे पास अभी मैंने तैयार किए हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अगर आप अपने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसको बंद करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरी यहाँ पर पॉलिसी है वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और मैंने वो पॉलिसी आज से 3 साल पहले करवाई थी और अभी मैं चाहता हूँ कि वो पॉलिसी मेरी बंद हो जाए, क्योंकि उससे भी बेहतर जितना प्रीमियम हम SBI में पे कर रहे हैं उससे कम प्रीमियम में उससे ज़्यादा बेनिफिट है वो दूसरे बैंक दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी तरफ चला जाऊँ इसको बंद करवा के, तो अभी फिलहाल मैं इसी चीज़ को करने वाला हूँ और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में जो मेरी पॉलिसी है उसको मैं बंद करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन की बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी हुई है जिसमें लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी ये बंद की जाती है। तो मैं जब ऑनलाइन बंद करने के लिए गया, SBI जनरल नाम की एक वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर जब मैं गया और पॉलिसी बंद करने के लिए मैंने वहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर वगैरह डाला, अकाउंट नंबर, तो वहाँ पर क्लियरली बता रहा था कि हमारी वेबसाइट अंडर मेंटेन है, हम आपकी पॉलिसी बंद नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने इनके कस्टमर केयर पर बात की, कस्टमर केयर पर बात करने के बाद मुझे पता चला कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो इनको ईमेल करने होंगे। तो मैंने कहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने और क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे पूछे वो डॉक्यूमेंट भी मैं यहाँ पर ठीक है इनको मेल करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें लाइव होगी, आप देख लेना इस वीडियो में, सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको मेल करना है, क्या मेल में लिखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन सिस्टम है वो सारा बंद है इनका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अंडर मेंटेनेंस चल रहा है और शायद आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी कैंसिल कर पाओ। तो चलिए अब सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट बताता हूँ मुझे डॉक्यूमेंट कौन से मांगे गए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट दोस्तों था, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट ऊपर ले लेता हूँ, ये मेरे पास बहुत सारे कागज़ हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे कागज़ हैं मेरे पास, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट था इनका कि आप पैन कार्ड दीजिए। अब देखो पैन कार्ड, मैंने कहा मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, फिलहाल मेरे पास पैन कार्ड था फिर भी मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की भी पॉलिसी बंद करवानी थी और मेरे मम्मी के पैन कार्ड नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा मेरी मम्मी के पैन कार्ड नहीं है, मेरे पैन कार्ड है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिनके पैन कार्ड नहीं है उनको हम एक फॉर्म 60 दे रहे हैं, वो आपको फिल करके साथ में अटैच कर देना है, पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे फॉर्म की लिंक मांगी, तो उन्होंने मुझे फॉर्म की लिंक भी दे दी, ठीक है। मैं आपको, आप गूगल या कहीं पर भी कर लेना फॉर्म 60, तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म क्या होता है मैं यहाँ पर लगा दूंगा, या PDF डाउनलोड का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो पासबुक है जिस, ठीक है, अगर SBI में आपका अकाउंट है और पॉलिसी ली रखे तो आपकी पासबुक का जो फोटो है वो देना है और जो ट्रांजैक्शन, जो भी पॉलिसी आपकी रिसेंट टाइम में कोई भी कटी है तो उसका, ठीक है, आपको उसका भी एक फ़ोटो खींचना है। मैंने कहा ठीक है, ये दोनों फ़ोटो मैंने खींच लिए, अब मैं आपको पासबुक साइड में करता हूँ। और सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन लिखी है मैंने यहाँ पर इस पेज में, क्लियरली देखो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन में क्या लिखा है मैंने देख लीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा है SBI जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल एंड रिफंड, ऊपर ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो भी, ठीक है, निवेदन है कि मेरी पॉलिसी SBI जनरल एक्सीडेंट वाली है और उसके अलावा पॉलिसी नंबर लिखा है और आपसे अनुरोध है कि मेरी पहले जो पॉलिसी है वो कैंसिल करावें। और इसके बाद एक कारण मैंने लिखा है कि मैं पॉलिसी दूसरे बैंक आपसे बेहतर, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं इसी प्रीमियम में, तो इस वजह से मैं कैंसिल करवा रहा हूँ और मैं पॉलिसी देने में असमर्थ हूँ, ये भी मैंने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैंने, ठीक है, नाम लिखा है और अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे डाला है और पॉलिसी नंबर मैंने लिख दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक हस्ताक्षर लेके हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन होती है, सेम वही एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस मेल पर आपको इनके सभी के फोटो भेजने हैं और कुछ नहीं भेजना है। फोटो भेजोगे तो विद इन आपकी 3 से 4 दिन में पॉलिसी कैंसिल हो जाती है और मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सारी चीज़ें मैंने देखो प्रैक्टिकल पहले कर रखी है तो मुझे पता है। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जिसकी बंद करवा रहे हो पॉलिसी उसके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लेनी है। और आगे वाले, देखो आधार कार्ड में 12 संख्या होती है, ठीक है, तो आगे वाले आप 8 जो संख्या होती है आधार संख्या उनको, ठीक है, पेन से ब्लर कर दीजिए, मिटा दीजिए।
और जो पीछे वाली चार संख्या होती है आधार कार्ड की वही आप रखिए, और उसके बाद उसको मिटा के पेन से ठीक है आप उसका फोटो खींच लीजिए, तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो गई। इसके बाद मेरे पास फॉर्म 60 है और इसको भी मैंने फिल किया है, जो कि मुझे उन्होंने ही भेजा था कि ये फॉर्म चीन आपको पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो ये फॉर्म 60 भरना ही पड़ेगा, तो मैंने इसको भी भरा है और ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपको ठीक है एक बैंक की सही होगी ठीक है, पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी सही होगी, तो ये फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी है और ये वाली जो है ये मेरा प्रीमियम जो कटा है और मैंने उसको नोट डाउन करके उसका फोटो खींचा है, तो ये प्रीमियम भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और अटैच की है, जैसे कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मैंने अटैच किया साथ में, क्योंकि वो भी इन्होंने मांगा था, और उसके साथ पॉलिसी की जो एक कॉपी है मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, पहले से पॉलिसी डाउनलोड की थी मैंने तो वो भी मेरे पास पड़ी है। और पॉलिसी डाउनलोड करना नहीं आता है आपको तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, आप पॉलिसी डाउनलोड कर लेना ठीक है सबसे पहले, तो पॉलिसी डाउनलोड करके उसका भी मैंने एक फ़ोटो अटैच किया है साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अटैच करने के बाद मेल किया है, मेल कहाँ पे करना है ठीक है, किस तरीके से आपको मेल डालना है सारी चीज़ें आप चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मेल करना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो SBI की जनरल इंश्योरेंस की यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है मेल आईडी है, इस पर आपको ये मेल करना है। मेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हो customer.care@sbijeneral.in ठीक है, ये मेल आईडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, SBI की जो जनरल पॉलिसी वगैरह होती है उन सभी की। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने लिखा है पॉलिसी कैंसिलेशन एंड रिफंड ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको, तभी आपका पैसा जो भी होगा वो रिफंड भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको ठीक है और चीज़ देख लीजिए, जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा है SBI जनरल अकाउंट पॉलिसी कैंसिल रिफंड, और यहाँ पर मेरा जो SBI का अकाउंट का नंबर है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, पॉलिसी नंबर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको सेम इसी प्रोसेस से लिखना है, और रीज़न ऑफ कैंसिलेशन आपको ज़रूर लिखना है, नहीं तो दोस्तों आपकी पॉलिसी कैंसिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो आपको रीज़न लिखना है कि मैं कैंसिल क्यों करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो है मैंने अकाउंट ओपन करवाया था उसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मेरी पॉलिसी ओपन कर दी थी और अभी मैं 500 रुपये देने में असमर्थ हूँ ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको पीछे, नहीं तो आप ठीक है 500-1000 रुपये की जो भी आपकी पॉलिसी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप ठीक है डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है सही है वो सारे मैंने इस मेल के साथ अटैच कर दिए हैं, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फोटो सारे के सारे जितने भी थे मैंने फ़ोटो अटैच कर दिए हैं, और डॉक्यूमेंट मैंने आपको वीडियो में दिखाया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यहाँ पर एक पॉलिसी की कॉपी भी मैंने अटैच की है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई थी कि कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड मेल पर क्लिक कर देना है, सिंपली मैं यहाँ पर सेंड मेल पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा मैसेज है वो सेंड हो चुका है। तो मैंने इस वीडियो में आपको मेल भेजने का भी तरीका बता दिया है कि आपको कौन से ठीक है मेल आईडी पे भेजना है, जो ठीक है SBI की जनरल इंश्योरेंस का जो कंपनी उसका एक कस्टमर केयर का ठीक है मेल आईडी बना हुआ है तो उस पर ही आपको ये मेल सेंड करना है। मेल सेंड करने के बाद उसके बाद हमारे पास एक वापस मेल आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो 3 से 4 दिन वर्किंग डेज में आपकी पॉलिसी है वो बंद कर दी जाएगी। अब बंद नहीं होती यहाँ पर ये पॉलिसी कैंसिल की जाती है ठीक है, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी बंद करवा रहे हैं, पॉलिसी बंद नहीं की जाती है यहाँ पर, ये जो ऑटो रिन्यू का सिस्टम होता है यानी कि हमारे अकाउंट से ही ऑटोमेटिक पैसा काटा जाता है वो बंद कर दिया जाता है और उसके बाद हमारी पॉलिसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, बाकी ऑनलाइन कोई प्रोसेस है नहीं, मैंने कस्टमर केयर से बात कर ली, मैंने कस्टमर केयर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है। तो यही तरीका है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट फोटो खींचिए और उसके बाद अटैच कर दीजिए जो आप मेल कर रहे हैं उसके साथ में, और इस तरीके से सेंड कर दीजिए तो आपकी पॉलिसी है वो बंद हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।